कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का पांगी गांव में पहुंचने पर गांव वासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गतिविधियों को संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने बताया कि पांगी गांव में 11 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला के हर गांव में मल निकासी योजना तैयार करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2007 में सांगला पहला ऐसा गांव था जहां मल निकासी योजना शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि काशंग परियोजना की 1,17,00,000 रुपए की रॉयल्टी जमा है, जिसकी वितरण परियोजना प्रभावित परिवारों को लाडा की बैठक के उपरांत किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इस दिशा में उन्होंने पांगी विश्वविद्यालय में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत मुक्किम चिक्किम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त छितकुल से रक्षम के बीच राफ्टिंग का ट्रायल किया गया है और आने वाले समय में वहां राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर विभाग की योजनाओं के बारे में बागवानों को जागरूक करेंगे। इसके अतिरिक्त सेब की खरीद प्रति किलो के हिसाब से हो, इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा।